and uh, pranam to all of you again i am coming back to my channel asit uh, governmental guru today i will discuss uh, excellent uh, mcq 3 related to the central civil services medical attendance rules 1944 uh, <clears throat> it is uh, up to up-to-date one and uh, already i have uploaded uh, two uh, mcqs it is the third part so definitely uh, this session would be interesting one i will discuss ten questions with explanation exam oriented questions so uh, my friends please subscribe my channel share my channel like my channel so that uh, you can get notification for my upcoming videos you see uh, my uh, contact uh, whatsapp number it is 8327782034 and uh, you can join my uh, telegram channel link is there t.me Slash BAPI 2034. Also, you can get the same link uh, in my description um, of my video. Uh, so, uh, my friends, now I am going to discuss 10 uh, MCQ uh, questions related to the CSMA rules, uh, um, it means 1944. First question you see, question number one. Uh, इट इज गिवन डिस्ट्रिक्ट मींस विथ रिफरेंस टू सी एस एम ए रूल्स कैसे डिस्ट्रिक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है अब uh, 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 आप देख लीजिए सी एस एम ए रूल्स नाइनटीन फोर्टी फोर आप देख लीजिए रूल टू सबसेक्शन बी देख लीजिए रूल टू सबसेक्शन बी देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि होयर एम्प्लॉय फॉल्स इल होयर एम्प्लॉय फॉल्स इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय फॉल्स इल ठीक है और जिस uh, डिस्ट्रिक्ट uh, में एम्प्लॉय फॉल्स इल एक्चुअली इन दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली

टू डी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिफाइन किया गया है राइट right? क्लियर हो गए टू डी देन नेक्स्ट टू ई में राइट टू ई में uh, यहां पर डिफाइन किया गया है uh, बेसिकली टू ई को जो डिफाइन किया गया है वो मेडिकल अटेंडेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल अटेंडेंस ठीक है ये मेडिकल अटेंडेंस को डिफाइन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ठीक है टू एफ जो है बेसिकली पेशेंट को डिफाइन किया गया है और टू डबल एफ है इसमें शीड्यूल को डिफाइन किया गया है और लास्ट वन जो टू सबसेक्शन ए छे इसमें ट्रीटमेंट को डिफाइन किया गया है ठीक है तो इस तरीके से आप जो रूल टू का जो सेक्शन से उसको अच्छे से देखना है और यहां पर दो चीज याद रखिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्टेट को टू जी आप देखिए यहां पर स्टेट को डिफाइन किया गया है और टू बी में यहां पर डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है ठीक है तो दोनों में क्लियरली मेंशन है कि द द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉल्स इल इन विच डिस्ट्रिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉल्स इल इसको स्टेट वही है इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉल्स इल तो ऐसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन बीट सी होगा राइट चलो क्वेश्चन नंबर टू स्टेट द रूल दैट डिफाइंस द टर्म ट्रीटमेंट अंडर सी एस एम ए रूल्स आप अभी मैं बताया ट्रीटमेंट को टू uh, एच में डिफाइन किया गया है ठीक है और एक बार बता देता हूं जो टू सबसेक्शन ए है ये ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बी जो है डिस्ट्रिक्ट सी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है सी में सबसेक्शन डी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक है सबसेक्शन बी डिस्ट्रिक्ट सबसेक्शन सी गवर्नमेंट सबसेक्शन डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ई e, बहुत इंपॉर्टेंट रूल टू सबसेक्शन ई e, मेडिकल अटेंडेंस मेडिकल अटेंडेंस को डिफाइन किया गया है ठीक है और यहां पर जो टू एफ है टू एफ है वो पेशेंट को डिफाइन किया है ठीक है टू एफ जो है पेशेंट को डिफाइन किया गया है और टू जी जो है स्टेट को डिफाइन किया है ठीक है और टू एच जो है वो ट्रीटमेंट को डिफाइन किया गया है टू एच यहां पर जो ऑप्शन आंसर है रूल टू सबसेक्शन एच ट्रीटमेंट को डिफाइन किया गया है ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर थ्री इन रेस्पेक्ट ऑफ सीसीएसएमए रूल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेसिकली एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हॉस्पिटल मेंटेन बाय द लोकल बॉडी हॉस्पिटल फंडेड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट कोई मिलिट्री हॉस्पिटल कोई रेलवे हॉस्पिटल एवरीथिंग आ जाता है तो यहां पर जो आप देख लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी मैं बताया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप देखिए रूल टू सबसेक्शन डी में देखिए सबसेक्शन डी में क्लियरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिफाइन किया गया है क्योंकि रूल टू ए एड मेडिकल अटेंडेंट बी डिस्ट्रिक्ट है सी गवर्नमेंट को डिफाइन किया है रूल टू सेक्शन डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिफाइन किया है तो उसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल होगा हॉस्पिटल मेंटेन बाय लोकल अथॉरिटी होगा अदर हॉस्पिटल विथ विच हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स होगा तो यहां पर जो आंसर होगा डी होगा चाहे गवर्नमेंट रिकोगनाइज हॉस्पिटल हॉस्पिटल फंडेड बाय द गवर्नमेंट और अरेंजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेंटेन बाय लोकल अथॉरिटी मिलिट्री हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल ओके की हॉस्पिटल पार्सियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ये सब आ जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक है तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चाहे मिलिट्री हॉस्पिटल हो चाहे हॉस्पिटल मेंटेन बाय द लोकल अथॉरिटी और हॉस्पिटल ऑल अरेन्जमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर तो यहां पर रूल टू डी को मत भूल जाना क्योंकि जस्ट यू यू डू नॉट फॉरगेट रूल टू डी क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिफाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर हुई इज नॉट कॉन्सिडर्ड एज ट्रीटमेंट अंडर सीसीएसएमए रूल इम्प्लॉयमेंट ऑफ सच पाथोलॉजिकल बैक्टेलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और अदर मेथडीडर्ड ने तो ठीक होगा द सप्लाई ऑफ सच मेडिसिन वैक्सीन सेरा और अदर थे ऑर्डिनरीली अवेलेबल इन हॉस्पिटल ये भी आ जाएगा ट्रीटमेंट में सच नर्सिंग आज इज ऑर्डिरीली प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट बाय द गवर्मेंट जो ऑर्डिनरिल नर्सिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है इन पेशेंट को वो भी ट्रीटमेंट में आएगा द स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन इंक्लूडिंग डाइट और प्रोविजन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और अकोमोडेशन सुपर ये नहीं होगा ये ट्रीटमेंट में नहीं आएगा तो ये क्या दे दिया स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन इंक्लूडिंग डाइट और प्रोविजन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और अकोमोडेशन टू दैट इड क्योंकि आप पर जो अकोमोडेशन फैसिलिटी आपके लिए है वही अकोमोडेशन लेना है आप बोलेंगे कि मुझे सुपर अकोमोडेशन नहीं होगा आप बोलेंगे कि यही स्पेशलिस्ट मुझे ट्रीटमेंट करेगा ये नहीं होगा कि आपको डाइट के लिए भी वहां पर रिइंबर्समेंट नहीं होगा डाइट फैसिलिटी ओके वो वो भी एडमिसिबल नहीं है तो ये सब चीज तो विच इज नॉट कॉन्सिडर्ड एज ट्रीटमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ये ट्रीटमेंट में नहीं आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव इन रेस्पेक्ट ऑफ सीसी रूल मेडिकल अटेंडेंस मीन्स आप अभी मैं बताया था जो मेडिकल अटेंडेंस है आप रूल देख लीजिए टू सबसेक्शन ई e देखिए रूल टू सबसेक्शन ई e में मेडिकल अटेंडेंस को डिफाइन किया गया है ठीक है क्योंकि ए जो है सबसेक्शन एथोराइज मेडिकल अटेंडेंट बी डिस्ट्रिक्ट सी गवर्नमेंट डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ई e है जो रूल टू सबसेक्शन ई है वो मेडिकल अटेंडेंस है अटेंडेंस एट द हॉस्पिटल ठीक है अटेंडेंस एट द हॉस्पिटल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट करेक्ट है अटेंडेंस द अटेंडेंसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी मेडिकल अटेंडेंस में आएगा अटेंडेंस एट द कंसल्टिंग रूम ऑफ द दर एट द हॉस्पिटल और ओन ये आएगा तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑल ऑफ द अबो जो मेडिकल अटेंडेंस है चाहे इट मींस द पेशेंट ट्रीटेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट द पेशेंट ट्रीटेड इन इन हिज ओन रेसिडेंस द पेशेंट ट्रीटेड इन कंसल्टिंग रूम ऑफ अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट वेदर इट इज इन हॉस्पिटल और इन आउटसाइड और एट द रेसिडेंस ऑफ द बेसिकली अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट तो इसमें सब कुछ आएगा चाहे आप ओपीडी में आई मींस कंसल्ट कर रहे हो चाहे आपका रेसिडेंस में ठीक है आप क्रिटिकल इल कंडीशन में ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट आपका घर को आएगा कि सपोज का जरूरत है आप क्रिटिकल कंडीशन में हो आप जा नहीं सकते तो ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट भी एक्चुअली रिफर करेगा स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट भी आएगा आपका घर को तो कंसल्टिंग इन द रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉई और कंसल्टिंग रूम कंसल्टिंग रूम ऑफ ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट तो कंसल्टिंग रूम हॉस्पिटल में हो सकता है और कंसल्टिंग रूम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का रेसिडेंस में भी हो सकता है कि आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल कहां पर हो सकता है ठीक है तो ये मेडिकल अटेंडेंस कुछ आएगा ऑल ऑफ द्वेशन सिक्स सी एस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स इज नॉट अप्लीकेबल टू आप रूल वन में मेरा एक पूरा कंपाइलेशन वीडियो है ठीक है

आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबूब ये सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 जो है ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सेवन को चलेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ फास्ट कंसल्टेशन इट इज क्लियरली गिवन व्हाट इज द रेट ऑफ फास्ट कंसल्टेशन फीस पेड टू मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट दिया है स्पेशलिस्ट दिया है तो आप याद रखिये मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलिस्ट के लिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हंड्रेड रुपीजेंड कंसल्टेशन में है है ठीक क्लियर फर्स्ट कंसल्टेशन हंड्रेड रुपीज है सेकेंड कंसल्टेशन सिक्सटी है ठीक है, है। यदि एमबीबीएस आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन नहीं यहां पर तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज फर्स्ट कंसल्टेशन और मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट और स्टूडेंट हंड्रेड रुपीज है सेकेंड कंसल्टेशन सिक्सटी है मगर यदि आप एमबीबीएस का बात आएगा तो उस केस में फास्ट कंसल्टेशन के लिए सेवेंटी रुपीज और सेकेंड के लिए फोर्टी रुपीस ठीक है ये एमबीबीएस के लिए मगर पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी पीजी जो स्पेशलिस्ट है ना फास्ट कंसल्टेशन हंड्रेड है फर्स्ट कंसल्टेशन सेवेंटी है सेकेंड कंसल्टेशन फोर्टी है इसी तरीके से रियम्बर्स होगा ठीक है और इंजेक्शन का बात आएगा जैसे आपका जो नॉर्मल इंजेक्शन ट्वेंटी रुपीज है मगर इंट्रावेनस इंजे इंट्रावेनस इंजेक्शन फोर्टी रुपीज है इंट्रावेनस फोर्टी रुपीज है चाहे वो स्पेशलिस्ट हो कि एमबीबीएस हो ओके okay? बेसिकली ये जो ट्वेंटी रुपीज है ना इंट्रामस्कुलर और बेसिकली रिमेंबर करना है इंट्रामस्कुलर के लिए ट्वेंटी रुपीज इंट्रावेनस के लिए फोर्टी रुपीज इंजेक्शन केस में और दोनों चाहे स्पेशलिस्ट हो कि चाहे एमबीबीएस हो ठीक है ये थोड़ा आपको याद रखना है चलो क्वेश्चन नंबर एट of of the the following identify those who are excluded from the purview फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोन इसमें फास्ट आ गया नहीं है। उनका जो मेडिकल रूल से है। कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉईन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है तो ये रूल में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेप्यूटेशन विदेंट्रल गॉई हैल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो सी एस एम रूल नाइन फोर्टी फोर वो अवेल करेगा प्रोफेशनल अवेल करेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीव रिटायरमेंट है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा और कोई अप्रेंटाइज है जो ट्रेनिंग ले रहा है ओके okay, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ओके okay, और जो डिफेंस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो लोग डायरेक्टली डिफेंस सर्विसेज पर्सनल नहीं होगा मगर जो बेसिकली दो डिफेंस एम्प्लॉइज

सीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स नाइनटीन फोर्टी फोर लागू हो जाएगा क्योंकि वो अभी डेपुटेशन में आकर सेंट्रल uh, गवर्नमेंट में काम कर रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देयर शुड बी डैश बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट स्पेल ऑफ इलनेस फ्रॉम वन डिजीज एंड रिकरेंस ऑफ द सेम डिजीज फॉर ए सेकेंड टाइम सपोज पर्टिकुलर इलनेस में आपका ट्रीटमेंट हो रहा था आप रिक्यूपरेट करेंगे मगर कुछ दिन के बाद फिर सेम डिजीज में आप सफर हो गए ओके पर्टिकुलर इलनेस आप ले लीजिए ऑलरेडी ट्रीटमेंट कंप्लीटेड एंड यू हैव रिकवर्ड, बट आफ्टर सम टाइम अगेन यू सफर इन द सेम डिजीज तो यहां पर यहां पर जो क्वेश्चन वही पूछा शुड बी बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ द फास्ट स्पेल ऑफ इलनेस फ्रॉम वन डिजीज एंड रिक्स ऑफ द सेम डिजीज फॉर ए सेकेंड टाइम टू जस्टिफाइ फ्रेस क्लेम इन जोर शुड बीबल गैप तो ऑप्शन तो गैप आ जाता है ना क्योंकि उसी डिजीज में आपका ट्रीटमेंट चल रहा था नाउ यू रिकवर्ड बट कुछ दिन के बाद फिर वही डिजीज में आप सफर हो गए ठीक है तो ये जो ये जो फ्रेश आ जाएगा क्योंकि सेम डिजीज मगर कुछ गैप हो जाएगा पर्टिकुलर डिजीज में आपका ट्रीटमेंट चल रहा था आप रिकवर कर गए मगर एक गैप के बाद वही डिजीज में आप फिर सफर हो गए तो एक गैप आ जाता है गैप जब आ, गया, आ जाएगा सेम डिजीज हो मगर वो फ्रेश क्लेम आप करोगे ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा ये रीजनेबल गैप होगा बहुत बार क्वेश्चन आया है ये चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे टू बिकम एलिजिबल फॉर टी ट्रेवलिंग एलोयस व्हाट इज द डिस्टेंस प्रिस्क्राइब बिटवीन ए प्लेस ए पेशेंट फॉल्स इल एंड कंसल्टिंग रूम आपको याद रखना है जब जो पेशेंट फॉल्स इल एंड कंसल्टिंग रूम मोर देन फाइव माइल्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट मोर देन फाइव माइल्स और मोर देन एट किलोमीटर्स जो भी है ऑप्शन दिया है उसको आपको लेना है जब डिस्टेंस हो जाएगा वे आर देशेंट फॉल्स इल एंड कंसल्टिंग रूम उसमें डिस्टेंस मोर देन फाइव माइल्स होगा शॉर्टेस्ट रूट सिमिलरली मोर देन एट किलोमीटर होगा शॉर्टेस्ट रूट ये होगा तो आपको वहां पर टीए मिलेगा ट्रैवलिंग अलोयंस मिलेगा टी डॉट कर दीजिए टी ए ट्रेवलिंग मिलेगा तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अदर ऑप्शन आर रॉन्ग वन तो आपको याद रखना है यदि डिस्टेंस मोर देन फाइव माइल्स ए सेम थिंग मोर देन फाइव माइल्स और और कभी कभी मोर किलोमीटर होगा और शॉर्टेस्ट रूट बाई रूट ठीक है तब आप क्लेम कर सकते हो ठीक है तो आज है, फिर हम नेक्स्ट में मैं और कुछ क्वेश्चन करूंगा ऑलरेडी यहां पर मैं 51 पार्ट को कवर करेंगे तो फिफ्टी वन क्वेश्चन कर चुका हूं ठीक है सो so, आज इतना ही है थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ